उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बाढ़ राहत एवं बचाव के दृष्टिगत डीएम श्री पवन अग्रवाल द्वारा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने हरिहरगंज ललिया मार्ग पर लोकहवा डीप पर राप्ती नदी के पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन बंद है। डीएम के निर्देश पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की ड्यूटी डीप पर लगा दी गई है एवं आसपास के ग्रामों के लोगों के आवागमन हेतु बड़ी नाव उपलब्ध करा दी गई है। इस दौरान डीएम ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी एवं सेतु निगम को राप्ती नदी के जल स्तर बढ़ने व आवागमन बाधित ना हो इसके स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित सेतु के निर्माण को विशेष प्राथमिकता पर लेते हुए पानी उतरने के पश्चात शीघ्र कार्य प्रारंभ कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने लोक हवा डीप एवं अन्य डीप पर जहां पानी का तेज बहाव है रात्रि के समय भी पुलिस बल की तैनाती किए जाने तथा राप्ती नदी के किनारे सभी ग्रामों में बड़ी नाव की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विगत 2 दिनों से नेपाल में भी और जनपद में भी काफ़ी बारिश के कारण सभी क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में जल भराव हुआ है। राप्ती नदी में जो सिसई घाट पर स्थापित गेज है वहाँ पर भी जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था, लेकिन अभी वो स्थिर हो गया है और धीरे धीरे घटना भी प्रारंभ हो गया है। इसके साथ सभी क्षेत्रों में हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ, सभी बाढ़ शरणालय सभी एक्टिव हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, मेरे स्वयं के द्वारा भी सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर सतर्क की दृष्टि बनाए रखी जा रही है। बाढ़ नाव भी हमारे द्वारा मंगा ली गई है, जिनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करा दिया गया है। SDRF और फ्लड प्लाटून PAC भी उपलब्ध है। सभी प्रकार की स्थिति पर सतर्क नजर रखी जा रही है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।